Hello friends, welcome back to my channel Creative Arts and Craft Ideas. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि असाइनमेंट के टॉपिक्स आप किस किस तरह से लिख सकते हैं. तो मैं कुछ आपको आइडियाज़ दूंगी, आप उनको और मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ वेस्ट पेपर लिया है. इसको हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से. आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ और ब्रेथ रख सकते हैं. और जो दोनों एंड्स हैं इस स्ट्रिप के, उसको आपको सेमी सर्कल में काट लेना है ऐसे. अब इस पे आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं. अब इसको पेस्ट करने के लिए आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं और डबल साइडेड टेप का भी. डबल साइडेड टेप का अगर आप यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा उठा हुआ और 3D इफ़ेक्ट देगा. ओके, चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं. हम एक पतली सी थोड़ी स्ट्रिप ले लेंगे. ओके, और उसके जो दोनों एंड्स हैं हम उसको कट कर लेंगे प्रॉपर. देन दोनों एंड्स को हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे कुछ इस तरीके से. अब आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं. डबल साइडेड टेप लगा के और टॉपिक लिख दीजिए. ओके, या फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और देन इसको पेस्ट करिए. ये देखिए, इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा. ओके, इसमें आपको फेविकॉल बीच में नहीं लगाना है, दोनों एंड्स पे लगाना है. या फिर आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं. आप किसी भी पेपर को इस तरीके से डिज़ाइनर में काट लीजिए किसी भी डिज़ाइन में, और उसको एज इट इज़ आप टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं. यहाँ भी आप डबल साइडेड टेप का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर लगेगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिप्स ली हैं. आपके पास जो कलर अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं. और दोनों स्ट्रिप्स को आप अलग अलग तरीके से अरेंज करके उनके बीच में टॉपिक लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ. ये देखिए, सिंपल पैरेलल दोनों स्ट्रिप्स को रख दीजिए और यहाँ बीच में टॉपिक लिख दीजिए. ओके, तो ये हो गया एक सिंपल तरीका. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं. एक स्ट्रिप को हम थोड़ा सा मोड़ देंगे और ट्रायंगल शेप दे देंगे, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहेगी आप वहाँ पर अपना टॉपिक लिख सकते हैं. और दोनों पेजेस के दोनों साइड्स पे आप कोई डिज़ाइन दे सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ओके, तो एक डिज़ाइन ये रही. अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ले रही हूँ. आप भी, आपके पास जो भी वेस्ट पेपर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं. और एक रफली अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग एक सर्कल काट लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर का लिया है. ओके, देन दूसरे किसी कलर का, जैसे यहाँ रेड है तो मैंने लाइट कलर लिया है, इट इज़ लाइट पिंकिश. और इससे भी मैं दो स्मॉल सर्कल्स काट लूँगी. देन ये जो अलग अलग तरह के सर्कल्स हमारे पास आएंगे, इनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं अरेंज करके अपना टॉपिक प्रेजेंट
कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसको अलग अलग तरीकों से। तो यहाँ पे मैंने ये दो सर्कल्स काट लिए हैं। अगर आप सर्कल की जगह कोई और डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और उनका अरेंजमेंट हम चेंज करके अलग अलग डिज़ाइन या लुक दे सकते हैं। तो अपने टॉपिक को और अच्छा बनाने के लिए मेरे आइडियाज़ ज़रूर फॉलो करके देखें और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। देखिए, इस तरीके से भी हम अरेंज कर सकते हैं और आपका जो भी टॉपिक होगा वो बीच वाले सर्कल पे लिखा जाएगा। यहाँ पे रेड है, डार्क कलर है, बट अगर आप यूज़ करें तो लाइट कलर बेसिकली यूज़ करें, जिससे आपका टॉपिक जो है वो उभर कर दिखाई दे। ओके, तो एक तो ये डिज़ाइन हो गई, और यहाँ पे जो ये लाइट कलर के सर्कल्स हैं, आप अगर चाहें तो इन सर्कल्स की बाउंड्रीज भी बना सकते हैं, जिससे वो और अच्छे दिखें। यहाँ पे मैंने रेड कलर के और सर्कल्स काटे हैं। जो भी आपके पास वेस्ट पेपर होंगे आप और सर्कल्स काट लीजिए। अगर डिफरेंट कलर हैं तो भी कोई बात नहीं है, कलरफुल भी अच्छा लगेगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हों ये कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल्स हैं, इसको हम जो लाइट कलर के सर्कल्स थे उन पे सबसे पहले चिपका देंगे इस तरीके से, और देन उसको हम अरेंज करेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको अलग अलग आइडियाज़ बता रही हूँ। आपको जो आइडिया अच्छा लगे वो आप ज़रूर फॉलो करें। और ये जो बीच वाला जो सर्कल है इसको हम इस तरीके से लगा देंगे, और अपना टॉपिक आप सेंटर में लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम बीच वाले सर्कल को अगर हटा दें तो जो स्पेस बचती है आप चाहें तो एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। वहाँ अपना टॉपिक लिख दीजिए और थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दीजिए। जैसे यहाँ मैंने पेंसिल का यूज़ किया है, आप यहाँ पे कलर का यूज़ करें और जो डिज़ाइन देना चाहें इस तरीके से डिज़ाइन दें और अपना टॉपिक बीच में लिख दें। ओके, तो नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। अगेन हमने वही सर्कल्स लिए हैं, उनको अलग तरीके से अरेंज करते हैं। जो सबसे बड़ा सर्कल है उसको बीच में, देन उनसे छोटे वाले सर्कल्स, एंड देन उनसे भी छोटे वाले सर्कल्स। ये देखिए, है ना नाइस लुक। ओके, चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स के कटिंग्स ली हैं। आप अगर कोई और कटिंग लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और जो भी टॉपिक है आपका उसको आप सबसे पहले लिख दें, देन दो फ्लावर्स लेके या आपके पास जो डिज़ाइन है उसको टॉपिक के दोनों तरफ पेस्ट कर दें। ये रही हमारी सिंपल सी डिज़ाइन। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो के नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है राइट हैंड साइड पे, आप उसे प्रेस करके मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी तरह के न्यू आइडियाज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। आपका जो भी टॉपिक है आप सबसे पहले उसको लिख दें, और वो जो छोटे छोटे फ्लावर्स के शेप थे उसको आप नीचे की तरफ सेमी सर्कल में अरेंज करके थोड़ा सा अच्छा लुक दे सकते हैं। ओके, या फिर सेमी सर्कल की जगह आप अपने टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कर दें, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो भी वो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने पेस्ट नहीं किया है तो अरेंजमेंट थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा है, बट अब जब आप पेस्ट करेंगे तो परफेक्ट दिखेगा।
सर्कल के बाद भी हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो साइड में जो फ्लावर्स हैं उनको थोड़ा लेंथी कर दें, मतलब दो तीन फ्लावर्स लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे दो फ्लावर्स लगा के दिखा रही हूँ, उसका लुक कैसा आता है ये देखिए, कुछ इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से आप और भी मॉडिफिकेशन दे सकते हैं अपने डिज़ाइन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक पेपर की कटिंग में मैंने लिखा है सेक्शन 1। जब भी आपको अपने टॉपिक्स को सेक्शंस में बांटना है तो आप इस तरीके से लिख कर पेपर के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा सकते हैं। और जब भी आप इस पीस को लगाएं, इस पेपर पीस को लगाएं, तो डबल साइडेड टेप का ही यूज़ करें, ना कि पूरे पेपर को आप पेस्ट कर दें। ओके, ये देखिए सिर्फ इतने में, और लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने डार्क पेपर यूज़ किया है, आप लाइट पेपर ही यूज़ करें। चलिए, तो हमने यहाँ पे कुछ हार्ट शेप की कटिंग्स ली हैं, अब हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं देखते हैं। आप ये जो डिज़ाइन है ये आप अपने फ्रंट पेज पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक सैम्पल लुक आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और भी कई सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हार्ट शेप को हमने एक सर्कल वे में अरेंज कर दिया है, आप इसी तरीके से अरेंज कर दें और अपने टॉपिक को सेंटर में लिख सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से बीच में आप अपने टॉपिक को लिख दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप और भी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह सर्कुलर वे में ऊपर की तरफ लिख सकते हैं अपने टॉपिक को या जो भी आपका मैटर है, और नीचे की तरफ भी आप सर्कुलर वे में लिख सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सा लुक आता है। चलिए एक और तरीका देखते हैं। अगर आपका कंटेंट इस तरह के डिज़ाइन में सूट कर रहा है तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें। यहाँ पे हमने पेपर को रेक्टेंगल शेप में काटा है, और जो भी उसका कंटेंट है उसको एक पेपर में लिख के इन रेक्टेंगल शेप के अंदर रख दिया है। आप इसको निकाल के पढ़ सकते हैं और अगेन रख सकते हैं। चलिए ये देखिए, जो मैंने कहा था लास्ट में आपको डिज़ाइन देखने मिलेगी, एक सैम्पल ये रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।